क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बड़ी खबरों का। आपको बता दें, सीएम योगी ने महावीर जन्मोत्सव पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि संपूर्ण विश्व में सत्य, शांति एवं मातृवृत्ति की भावना लेकर प्रचार प्रसार करने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थ भगवान महावीर की जयंती पर समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दिया है। वही बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व में सत्य, शांति और भ्रातृत्व की भावना का प्रसार करने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की जन्मोत्सव पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महावीर जन्मोत्सव के अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपनी शुभकामना संदेश में मौर्य ने कहा कि भगवान महावीर का संदेश हमें शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। महावीर जयंती के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने भगवान महावीर से सभी के उत्तम स्वास्थ्य और प्रयासों में सफलता के लिए प्रार्थना की है। जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, महावीर जयंती पर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि महावीर जयंती को लेकर आज कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम जो प्रदेशवासी हैं उनको आज अब मुख्यमंत्री की तरफ से एक शुभकामना दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो महावीर जी की जयंती को भव्य आयोजन को लेकर एक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसमें महावीर जी की जयंती को जिला स्तरीय और साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पर मनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जी, तैयारियां की गई है, शहर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अगर बात की जाए तो महावीर जी के जो तमाम उनके योगदान है उनको आज याद करने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो महावीर समाज के लोग आज के दिन एक भव्य आयोजन करते हैं, और साथ ही अगर बात की जाए तो शासन की तरफ से इस जयंती को लेकर आज जिला स्तर पर साथ ही साथ ब्लॉक स्तर पर मनाने को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। और आज महावीर जी को याद करते हुए उनकी जयंती पर लोग आज प्रदेश भर साथ ही साथ देश भर के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। ट्विटर के सीईओ एलन मस्क लगातार सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर बड़े बदलाव कर रहे हैं। वहीं इस बार एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया, यानी कि अब ट्विटर से नीली चिड़िया गायब हो गई है। इस बदलाव के बाद यूजर्स काफी हैरान हैं, कारण ट्विटर ने डॉगी को अपना नया लोगो बनाया है। इसको लेकर ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब डॉगी ही ट्विटर का नया लोगो होगा। दरअसल सोमवार को रात से यूजर्स अपने ट्विटर अकाउंट पर नीली चिड़िया की जगह एक कुत्ते को देखने लगे। इसे देखकर लोगों में हैरानी हो गई। वह एक दूसरे से सवाल पूछने लगे कि क्या सभी के ट्विटर के लोगों पर कुत्ता दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते ट्विटर पर हैशटैग डॉगी ट्रेंड करने लगा। यूजर्स को लगा था कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही एलन मस्क ने एक ट्वीट किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो बदल दिया है। एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम से महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट पर लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कालेजयी रचना को पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, और ट्वीट कर लिखा कि राम की शक्ति पूजा जैसी कालेजयी रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना को एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से हटाया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है। भाजपा सरकार स्पष्टीकरण दे और तुरंत उत्तर प्रदेश के अन्य कवियों की भी हटाई गई रचनाओं को फिर से शामिल करवाए। बता दें कि एनसीईआरटी की तरफ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराली जी की रचना हटाए जाने को लेकर अखिलेश यादव ने सपा प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाकी जो एनसीईआरटी की कविताएं हटाई गई हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार उन कविताओं को किताबों में फिर से शामिल करे।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एनसीईआरटी से जो कविताएं हटाई गई हैं उसको लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे, कवियों की हटाई गई रचनाएं शामिल फिर से किया जाए। आपको बता दें कि 12वीं के पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी ने बड़ा बदलाव किया है। महान साहित्यकार निराला की कविताएं हटाई गई हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हटाना आपत्तिजनक है, भाजपा सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, एनसीईआरटी की पाठ्यक्रम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हटाए जाने पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। टॉपिक्स को बदले गए हैं और ये 2023 से 24 में के सत्र में लागू किया जाएगा। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी की निवाला जी की कविता मैं गीत नहीं गाता हूँ, और साथ ही साथ विष्णु खरे, सुमित्रानंद पंत और साथ ही साथ तमाम साहित्यकारों के साहित्य अब किताबों से कहीं ना कहीं दूर नजर आएंगे। साथ ही आपको बताएं कि इतिहास से कई चैप्टरों को हटाया गया है, जिसमें अगर बात करें तो मुगल दरबार का इतिहास और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो तमाम किताब है उसमें हर एक सब्जेक्टों में बदलाव देखने को मिला है। सिविक्स की अगर बात करें तो यूएस का इतिहास और साथ ही साथ द कोल्ड वॉर को हटाया गया है। राजनीति शास्त्र की अगर बात करें तो जन आंदोलन का उदय सब्जेक्ट को हटाया गया है, और इसमें अगर बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में पढ़ाया जाता था, उसको भी कहीं ना कहीं अब कोर से दूर किया गया है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस फैसले का विरोध में एक ट्वीट करते हुए वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि राम की शक्ति पूजा जैसे कलजई रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक रचना को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से हटाए जाने पर उन्होंने आपत्तिजनक किया है, ऐसे वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां किताबों में बदलाव के बाद विपक्ष सरकार पर तमाम आरोप लगा रहा है और इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर अब शासन के जो सरकार के तमाम मंत्री हैं, विधायकगण हैं, उनकी तरफ से क्या जवाब आता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका विभांशु। लखनऊ के जानकीपुरम के सहारा स्टेट रोड पर गोवंश खुले में घूम रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों को लेकर एक आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देश के अनुसार 31 मार्च तक सभी गोवंश को आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाना था, लेकिन ऐसा करने में पशुपालन विभाग नाकामयाब रहा और गोवंशों को आश्रय स्थल तक नहीं पहुंचाया जा सका, जिस कारण से भारी संख्या में गोवंश खुले में घूम रहे हैं। वहीं इस बात से सीएम नाराज नजर आए और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को 5 अप्रैल तक गोवंशों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। बता दें कि खुले में घूम रहे पशुओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31 मार्च तक गोवंशों को पहुंचाने को लेकर निर्देश दिए थे। पशुपालन विभाग आश्रय स्थल पहुंचाने में नाकामयाब रहे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जानकीपुरम के स्टेट सहारा रोड का है, जहां पर खुले में पशु घूम रहे हैं। वहीं 31 मार्च तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पशुओं को गो आश्रय स्थल तक पहुंचाने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, देखिए 31 मार्च तक सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे सभी छुट्टा पशुओं को गो आश्रय तक पहुंचाने के लिए। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश को आश्रय स्थलों में रखने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया था। पशुपालन विभाग की तरफ से नाकामी साबित हुई है। कल जब बैठक हुई है, बैठक में जब सभी अधिकारियों की क्लास लगाई गई है, सबके जब पेट कसे गए हैं, उसके बाद अधिकारी
आनंद फानंद में जहां पर भी पशु मिल रहे थे, जहां पर भी गोवंश मिल रहे थे, उनको पकड़ करके आश्रय स्थल तक पहुंचाया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि कहीं भी गोवंश घूमते हुए नजर ना आए, उनको आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए, उनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए, यदि पैसे की दिक्कत हो तो डीबीटी के जरिए तत्काल पैसा भेज भी दिया जाएगा। उसके बावजूद भी पशुपालन विभाग के कर्मचारी कहीं ना कहीं अनदेखा करती रहे, तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री की नाराजगी साफ जाहिर हुई। कल की बैठक में मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, उसके बाद आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से गोवंश बड़ी संख्या में लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में घूम रहे हैं। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी तय होती है, आखिर इनको आश्रय स्थल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया है और अब डेडलाइन केवल कल तक के लिए दी गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से कह दिया गया है साफ तौर पे कि कल यानी 5 तारीख तक सभी भी गोवंश जो बाहर रोड पर सड़कों पर आश्रित घूम रहे हैं उनको उनके आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए, उनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए, और कल यानी 5 तारीख तक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट भी तलब किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 5 तारीख तक पूरा ब्यौरा देना होगा पशुपालन विभाग को, कितने पशुओं को, कितने गोवंश को उन्होंने आश्रय स्थल तक पहुंचाया और कितने गोवंश अभी भी सड़कों पर घूर फाक रहे हैं। रितेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं शहर में जो है छुट्टा पशु रोड एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, गांव में वहीं वो किसानों की जो है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या लगता है पशुपालन विभाग इसमें इस बार 5 अप्रैल को कामयाब हो जाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है नंदिनी, मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मंशा एकदम साफ है, क्योंकि जिस तरीके से गोवंश की वजह से समस्याओं का सामना किसानों को भी भुगतना पड़ता था, उसको देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत बेहद सराहनीय कदम उठाया है और अपने पशुपालन विभाग के अधिकारियों को साफ निर्देशित भी कर दिया गया है कि अब जो गोवंश हैं उन्हें बाहर रोड पर इस तरीके की चारा न करनी हो, उन्हें उनके आश्रय स्थल तक पहुंचाया जाए जिससे उनकी सेवा की जा सके। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, अगर लखनऊ की बात की जाए तो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और उस कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ खाने की चीजें रहती हैं, यहाँ तक कि वहाँ पे जो पॉलिथीन होते हैं उसको भी जो गोवंश से खा करके कहीं ना कहीं बीमार पड़ रहे हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ नाराजगी जाहिर की और अपने अधिकारियों के साथ और उसको निर्देशित कर दिया कि यदि कल तक यानी 5 तारीख तक सभी गोवंश को उनके आश्रय स्थल तक नहीं पहुंचाया गया तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर कार्यवाही भी होनी तय मानी जा रही। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। यूपी में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन में कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई। दरअसल लखनऊ में 13, गौतम बुद्ध नगर में 10, गाजियाबाद में 15 और ललितपुर में 20 और वहीं कानपुर में 3 केस मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या 20 थी। लखनऊ के चनहट, एनके रोड और सरोजनी नगर में 2-2 मामले दर्ज किए गए। आलमबाग, अलीगंज, कैसरबाग, इंदिरानगर, मोहनलालगंज और टूंडियागंज में 1-1 मरीज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। तो आपको बता लोग डरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें लखनऊ में कोरोना के 13 संक्रमित मिले हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से लोगों को डरा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अगर बात की जाए तो कल आलमबाग, अलीगंज, चिनहट, इंदिरा नगर, मोहनलालगंज और कई ऐसी जगहों को मिलाकर कुल 13 नए जो है कोविड धनात्मक रोगी पाए गए। अगर बात की जाए तो कुल 4 लोग कोविड संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं और जितने भी ये कोविड संक्रमण के संक्रमित मरीज है वो फिलहाल, अच्छी बात ये कि वो सभी होम आइसोलेशन में है। अगर देखा जाए तो जनपद में एक्टिव केसों की संख्या 59 हो चुकी है। तो इस समय लगातार जो है कोरोना ग्राफ एक बार फिर से बढ़ते हुए देखा जा सकता है।
बाकायदा सरकारी अस्पतालों में इसकी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन अभी तक कोई भी गंभीर मरीज जो है कोरोना से भर्ती अभी तक नहीं दिखा है, सभी होम आइसोलेशन है और किसी की भी मृत्यु जो है कोविड संक्रमण से अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से ये मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ये एक चिंता का विषय जरूर है। जी विवेक, क्या कुछ अस्पतालों में इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि लगातार देखिए कोरोना के मामले जो है बढ़ ही रहे हैं। देखिए कोविड 19 के बचाव के लिए सभी सावधानियां बरतने के निर्देश जो है सीएमओ ऑफिस से जारी हो चुके हैं। वहीं लगातार जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इनकी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। बकायदा बेड भी आरक्षित किए गए हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में कोई मरीज आता है तो उसको एडमिशन मिल सके, और वेंटिलेटर की व्यवस्था जो है अस्पतालों में की जा रही है। बकायदा वार्ड जो है आरक्षित कर दिए गए हैं, और सीएमओ की तरफ से ये निर्देश जारी हो गया है कि जितने भी बूढ़े और बच्चे हैं वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने पर बचे, और सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों को मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर की व्यवस्था करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिलहाल ये गाइडलाइन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हो चुकी है, और तमाम जो है जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि सुविधाएं जो है वो अस्पतालों में वो कोविड संक्रमण को लेकर जो है तमाम अस्पताल अपनी तरफ से बरत भी रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का 22 साल का रिश्ता खत्म हो गया। लखनऊ के अपर प्रधान न्यायाधीश देवेंद्रनाथ सिंह ने दोनों की तलाक अर्जी पर मुहर लगा दी। पिछले साल ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए वाद दायर हुआ था, इसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मंजूरी दे दी। बता दें कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी 18 मई 2001 को हुई थी। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच तलाक रिश्ते किसी से छुपे नहीं है। सियासत से लेकर आम लोगों तक सभी को मालूम था कि दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं, और पिछले करीब 10 सालों से दोनों अलग अलग रह रहे थे। अब दोनों कानूनी रूप से अलग हो गए हैं। यूपी में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। बीते दिन कोरोना के 92 नए मामले सामने आए, इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। दरअसल लखनऊ में 13, गौतम बुद्ध नगर में 10, गाजियाबाद में 15 और ललितपुर में 20 और कानपुर में वही 3 केस मिले हैं, जबकि स्वस्थ होने वाली की संख्या 20 थी। लखनऊ के चनहट, एनके रोड और सरोजनी नगर में 2-2 मामले दर्ज किए गए हैं। आलमबाग, अलीगंज, कैसरबाग, इंदिरानगर, मोहनलालगंज और टूरियागंज में 1-1 मरीज मिले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कानपुर से उपेंद्र अस्थाना जुड़ेंगे। उपेंद्र, देखिए कोरोना के नए मामले बढ़ रहे हैं, कानपुर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जो कि आलर हॉस्पिटल जो हैलन हॉस्पिटल है वहाँ पे, और 3 पेशेंट जो है जिसमें जो 2 मरीज हैलन मिले और 1 मरीज जो है जो होटला हॉस्पिटल में उसमें मिले हैं। संख्या अगर देखी है तो पूरी तरह से 7 सदस्य जो है वो पूरी तरह से कोरोना सक्रिय है। अस्पतालों में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं कोरोना को लेकर, देखिए एक बार फिर से जो है कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है? इससे पहले देखा है तो N2H3 वायरस को लेकर के जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है ब्रजेश पाठक और उनको उनकी टीम जो है लगातार जो है कानपुर जो हैलन अस्पताल है लगभग अगर देखा जाए तो 1 साल के अंदर लगभग 10 दौरे हो चुके हैं कानपुर में उनके, और देखा जाए तो साफ सफाई को लेकर के जो हैलन अस्पताल है वो बिल्कुल स्वच्छ समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो जिस तरीके से ओपीडी में जो मरीजों की भीड़ आ रही है लगातार विदाउट मास्क को इसकी अपील जो है हर दरवाजे से की गई है कोरोना को लेकर, फिर भी देखा जाए तो आम जनमानस जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कानपुर में कोरोना के अभी कितने मरीज बताए जा रहे हैं?
कानपुर में भी लगातार देखा तो पूरे एक्टिव केस जो है वो 7 से 8 मरीज जो है कोरोना के पाए गए हैं और लगातार इस पर जो जो कानपुर के जो जो प्रिंसिपल है संजय काला जो है वो पूरी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बात सुरक्षा की और उस पर लगातार देखा जो टीम गठित करी है प्रिंसिपल संजय काला ने मिडिल कॉलेज की उस पर लगातार जो वर्किंग है वो टीम पूरी लगातार साफ सफाई मर्जी कर रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है कि मास्क लगाएं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका उपेंद्र। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।